सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का हलवा, और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट लगने हैं वो हमने लिए हैं, 100 ग्राम मैंने मूंग की दाल ली है। उसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था, तो ये डबल हो गई है फूल के। तो देखिए वॉल्यूम इसका काफी बढ़ गया है। तो आधी कटोरी थी, ये पूरी 1 कटोरी बन गई है फूलने के बाद। और यहाँ पे 100 ग्राम मैंने खोया लिया है, 100 ग्राम ही मैंने देसी घी लिया है, 100 ग्राम मैंने चीनी ली है। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कोई भी। मैंने बादाम, काजू और किशमिश ली है। और यहाँ पे 200 ग्राम मैंने दूध लिया है। तो ये सारी चीजें हैं मेरे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दाल को एक ग्राइंडर में डाल के इसकी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल महीन पीसना है आपने इसको। अब आप देख सकते हैं मैंने इसकी पेस्ट बना ली है, तो ये बहुत ही महीन पेस्ट है बिल्कुल। तो अब चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हलवा बनाने के लिए हम पहले थोड़ा सा घी डाल लेंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी डाला है। इसे मेल्ट कर लेते हैं, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि जब हम रोस्ट करके कोई किसी भी चीज में ड्राई फ्रूट डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और ये फिर क्रंची भी लगते हैं खाने में। अब देखिए किशमिश फूल गई है और ड्राई फ्रूट सारे रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं ऑयल में से, प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये सारे हम इसके अंदर डाल लेते हैं। अब ड्राई फ्रूट रोस्ट करने के बाद हम जो घी है हमारा उसको भी डाल लेते हैं। और अब हम जो दाल की पेस्ट है उसे घी में डालेंगे। 100 ग्राम दाल से काफी सारा हलवा बन जाता है, तो आप थोड़ा क्वांटिटी देख के ही लें, क्योंकि ये फूलती बहुत है। बाद में जब ये हलवा बनेगा, घी इसके अंदर दूध डालेंगे तो ये काफी फ्लफी हो जाता है। अब सारी दाल हमने इसके अंदर डाल ली है। अब हम इसे लगातार चलाते जाएंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह भून नहीं जाती। आपने मीडियम फ्लेम पे इसे भूनना है। एक टाइम ऐसा आएगा ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी, तो आपने इसे लगातार चलाते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए काफी थिक होनी शुरू हो गई है, यही टाइम है इसको लगातार चलाते जाएं। और इसने सारा घी एक बार पी लिया है, दोबारा से ये घी को छोड़ेगी तब ये रेडी होगी। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। इस तरह इसको मसलते हुए हम भुनेंगे, इस तरह दबाते जाएंगे और घुमाते जाएंगे। इसे भूनने में कम से कम 10 मिनट तक का टाइम लग जाता है। देखिए मैं इसे लगातार चलाती जा रही हूँ, नीचे से ये जब भून जाएगा अपने आप ही छोड़ देगा ये तले को, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। आपने इसको चलाते जाना है लगातार, और जैसे मैं चला रही हूँ तो इसमें से घी निकलना शुरू हो गया है, तो इसका यही इंडिकेशन है कि ये भुनना काफी हद तक ये भुन गया है। अब हम इसे इसी तरह चलाते ही जाएंगे, बस इसका यही फंडा है कि आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है इसको। देखिए अब इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया है। जब ये पूरी तरह भुन जाएगा तो इसका कलर बहुत अच्छा गोल्डन हो जाएगा। इसी तरह हमने मैश करते जाना है इसको और भूनते जाना है। 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगा।
अब ये देखिए कितनी दरदरी फॉर्म में ये आ गया है। इसने बिल्कुल जो पानी था इसके अंदर वो सारा सूख गया इसका पानी। अब सिर्फ घी और दाल रह गई है। अब हम इसे भून रहे हैं अच्छी तरह। अब जब ये एक बार बीच में थिक फॉर्म में आए तो आपने ये नहीं सोचना कि इसके अंदर घी और डलेगा। अगर आप घी ज्यादा डाल दोगे तो बाद में पूरा घी घी ऊपर आ जाएगा। तो आपने उसी घी में उतनी ही क्वांटिटी में इसे पेशेंस के साथ भूनते जाना है। अभी भी इसको भूनने में 2-3 मिनट और लगेंगे। अभी हल्का सा कलर लाइट है। अब देखिए दाल ने घी छोड़ दिया है। ये बिल्कुल दरदरी हो चुकी है और इसके अंदर से क्रंच की आवाज भी आ रही है। जब हम इसे चला रहे हैं तो इसमें से आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है दाल हमारी अच्छी तरह भुन गई है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह भुन जाती है तब ये घी छोड़ देती है। तो इसने देखिए घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज में हम इसके अंदर खोया मिक्स कर देंगे। खोए का थोड़ा सा क्रश करके डालते हैं। और इसे भी इसी तरह इसके साथ भून लेते हैं। खोया डालने से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। कई लोग नहीं डालते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आप डाल लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तो हलवाई स्टाइल होता है, जो जो हलवाई लोग बनाते हैं वो खोया इसमें जरूर डालते हैं। अच्छी तरह मैश करके इसे भी भून लेंगे इसी के साथ। लीजिए खोया भी इसके साथ भून चुका है। 2-3 मिनट मैंने इसे भून लिया है और बिल्कुल ये दरदरा हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और थोड़े रख लेंगे गार्निशिंग के लिए। तो मैंने 1 चम्मच के करीब रख लिए हैं, बाकी के सारे डाल दिए हैं क्योंकि वो भी इसी के साथ सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर डालते हैं चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कई लोग बहुत मीठा पसंद करते हैं, कई लोग मीडियम खाते हैं, तो आप कम या ज्यादा मीठा कर सकते हैं। मैंने 100 ग्राम में 100 ग्राम मीठा डाला है। लीजिए चीनी को हमने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। अब इसके अंदर डालते हैं दूध। दूध डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पे था ये पहले मैंने किया हुआ, अब थोड़ा सा गैस को मीडियम कर लेते हैं। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये थोड़ा गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए घी किस तरह ऊपर आ चुका है सारा, और पकने के बाद तो ये काफी ज्यादा घी छोड़ देगा। बस इसमें यही ध्यान रखना है आपने कि दाल को आपने बहुत अच्छी तरह भूनना है। अगर आपको इसका कलर चाहिए तो इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाला जाता है, वो मैं आपको बता दूंगी किस कब डालना है। अब ये गाढ़ा काफी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि 100 ग्राम दाल में कम से कम 400 ग्राम दूध या पानी लगेगा। अब मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दूध डाला है, 200 ग्राम हम यहाँ पे पानी डाल देंगे। तो इसको हम थोड़ा सा कलर देना चाहते हैं, तो इसमें मैं येलो कलर लिक्विड डाल रही हूँ। बस 2 बूंदे मैंने 2-3 बूंदे इसके अंदर डाल दी हैं, ज्यादा नहीं डालना है। तो इसको अब कर लेते हैं मिक्स, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब कंटिन्यूअसली इसको चलाते जाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। अब जैसे ये गाढ़ा होने लग गया, इसमें से छींटे एक बार उठते हैं। कोई भी हलवा हम बनाएं, चाहे आटे का चाहे सूजी का, कोई भी हलवा बनाते हैं तो इसमें से छींटे तो एक बार लगते हैं जब ये गाढ़ा होता है। तो थोड़ा मीडियम कर लें फ्लेम को आप।
ये देखिए इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, घी निकल रहा है साइडों से। हम जब तक पकाएंगे जब तक इसके अंदर से दूध और पानी बिल्कुल अच्छी तरह सूख ना जाए और ये थोड़ा थिक हो जाए। खोया होने की वजह से इसमें से काफी छींटे उठते हैं, आपने बड़ा ध्यान से इसको चलाना है। इसको जब तक पकाएंगे जब तक घी बिल्कुल साइडों से निकल ना जाए। लीजिए हलवा तो हमारा रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा टेक्सचर और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा है, मीठा वगैरह आप इस स्टेज पे चेक कर लें। अगर आपको लगे कि थोड़ा मीठा कम है तो आप एक दो चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा कम ही डालना है तो इतना ही मेरे लिए तो ठीक है। अभी थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि घी वगैरह ये बिल्कुल छोड़ दे। जब ये घी छोड़ता है तब इसका मजा आता है इसको देखने में और खाने में। ये देखिए साइडों में आपको पता चलेगा शाइन आ रही है, घी निकलना शुरू हो गया है। अब देखिए पकाने के बाद जैसे कि दूध डालने के बाद मैंने जब गाढ़ा हो गया था तब भी इसको 4-5 मिनट मैंने बाद में भूना है, तो आप देख सकते हैं घी कितना इसने साइडों में आ गया है। ये सारा घी आपको अभी फ्रेम में दिख रहा होगा, ये देखिए। तो इसका मतलब अब हमारा हलवा रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए गैस को कर देते हैं बंद। अगर आप इस घी को निकालना चाहते हैं तो इस तरह थोड़ा सा पैन को टेढ़ा करें और घी देखिए सारा बाहर आ जाएगा और आप इसे बाहर भी कर सकते हैं। हलवे को साइड में कर लो और घी को साइड में। कई लोग घी खाना कम पसंद करते हैं लेकिन ये देसी घी है, आपने 2 चम्मच ही खाने होते हैं तो बहुत हेल्दी है ये आपके लिए। तो इसे हम सर्व करेंगे अब। अब देखिए हलवा हमारा बन चुका है, हमने इसे सर्व कर दिया है। बिल्कुल दानेदार हलवा बना है ये, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, हमने इसे टेस्ट करके देखा है। तो आप इसी तरह बनाएं, कोई गेस्ट वगैरह आए हों या छोटा मोटा कोई फंक्शन हो तो आप बना सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट के साथ गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए मूंग दाल का हलवा हमारा बनकर तैयार है और हलवाई वाले स्टाइल से बनाया है हमने और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। अगर आपको रेसिपी हमारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।